5 किलो राशन में भिखारी बन जाएंगे, लड़का घरे बैठा है। आप 10 रुपए का नौकरी दीजिए ना, राशन बंद कर दीजिए, सारे विकास हो जाएंगे आपके। तूती बोलेगी 5 किलो राशन में थोड़ी कोई बच्चे को विकास होगा। मोदी जी से खुश क्या है, इतनी महंगाई है, गैस जो 410 के था आज हो गया 1200। भाई जनता का जब खुश करेंगे तभी तो हम खुश होंगे, महंगाई पर थोड़ी खुश होगा आदमी। अभी बताइए, आप ही बताइए, 7000 में आप महीना गुजार लेंगे? हमको बताइए, हम ही आपको दे रहे हैं 7000, आप महीना गुजार लीजिए, परिवार पाल लीजिए, बच्चे पढ़ा लीजिए, चाहे औलाडार में रख सरकारी स्कूल में नाम लिखवाएंगे, चाहे बढ़िया शिक्षा देना है तो बढ़िया स्कूल में डालना पड़ेगा। बात यह है, महंगाई सबसे ज़्यादा है। आज पूरा विश्व चाहता है कि हम भारत के दोस्त हों, हर आदमी हमारी तरफ एक उम्मीद लगा के बैठा। मोदी जी ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, विश्व में एक नाम दे दिया जो है। देखिए, राज्य में किसी की सरकार बने लेकिन केंद्र में मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है। अभी कोई ऐसा नेता नहीं जो उनके समकक्ष खड़ा होकर के जो है इलेक्शन लड़ सके। विपक्षी तो सभी एकजुट हो रहे हैं कि इस बार तो मोदी को हराना है। इतने एकजुट हो जाएं, कई बार एकजुट हो चुके हैं, पहली बार नहीं है, हर बार एकजुट होते हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा? जो आम जनता है सारी सुख सुविधाओं से वंचित हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहीं सुविधा नहीं। चले मैं अपने मोहल्ले में दिखाता हूँ, एक भी सुविधा सरकारी योजनाओं के तहत लंबित नहीं है। क्या होना चाहिए? जो सिस्टम में है, क्या चीज़? जो उन्होंने कहा कि नौकरियां आज उठा कर देख लीजिए, बिजली कर्मचारियों के ऊपर उनका हक और अधिकार को हनन करने का काम ये सरकार कर रही है। कोई भी इनके खिलाफ बोलने का काम करे, उनको उनकी आवाज को दबाने का साजिश चल रही है देश के अंतर्गत। ये बालिका विद्यालय था, 40-45 महीना उसका फीस था, और वो सीधे DAV को दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ के मजदूर है, मान लीजिए जिसकी आमदनी कम है, 8000-10000 है, वो आदमी कहाँ जाएगा सर? केवल इनका काम पेपर में चल रहा है, मीडिया के द्वारा चल रहा है, और बाकी आप 8 साल के अंदर कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि नया काम इस भाजपा सरकार में हुआ हो, चाहे मोदी जी के द्वारा हो, चाहे क्या कहते हैं योगी जी के द्वारा हो। सिलेंडर का रेट क्या कहते देख रहे हैं, 1200 रुपया हो गया, बिजली का रेट हर महीना बढ़ते जा रहा है। तो BJP का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, पर राजधानी दिल्ली से विकास की धारा जो बही है वो सोनभद्र के अनपरा में कितना बही है, और 2024 में जनता किसे चुनने वाली है, किसे नकारने वाली है, ये सब जानने के लिए आज हम जनता के बीच में ही हैं और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 में क्या कुछ खास होने वाला है। क्या नाम है बाबा आपका? शंभुनाथ गुप्ता। ये बताइए कि मोदी जी का अभी तक का जो कामकाज है, चूँकि हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो अभी तक का जो कार्यकाल रहा है 2 बार का, लगभग 10 साल में क्या कुछ विकास हुआ है इस क्षेत्र में? अन्य पार्टियों के अपेक्षा इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, और देश को एक जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे देश को पेपर में एक कार्टून आता था, भीख मांगता हुआ कटोरा दिखाया जाता था, कटोरा लेकर के। आज पूरा विश्व चाहता है कि हम भारत के दोस्त हों, हर आदमी हमारी तरफ एक उम्मीद लगा के बैठा। मोदी जी ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, विश्व में एक नाम दे दिया जो है। तो इस क्षेत्र के अगर हम विकास की बात करें, जैसा कि अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल डामाडोल हैं, शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक है नहीं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा लोगों का आ जाता है, कभी कम कभी बहुत ही ज़्यादा, तो ये जो आम सुविधाएं हैं वो जनता को नहीं मिल पा रही, इस पर क्या राय है आपकी? तो इस पे मोदी जी क्या कर सकते, ये तो सरकार राज्य सरकार की बात है ना। अगर बिजली का तो BJP तो डबल इंजन की बात करती है, डबल इंजन की बात करती तो ये बिजली का बिल जो देखिए बहुत ज़्यादा बिजली के बारे में है, चोरी जो बिजली की चोरी हो रही है उसका पैसा जो मीटर वाले हैं उनको भरना पड़ता है, इस हिसाब से बिल ज़्यादा आता है। और स्वास्थ्य सुविधाएं जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं, सुविधा के मामले में डिबुलगंज में जो है सरकारी अस्पताल है, पहले से बेहतर हुआ है। अच्छा। पहले वहाँ गायें सोती थी, सुअर सोते थे। अच्छा। अब कम से कम विकास हुआ वहाँ, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जो है। शिक्षा व्यवस्था के लिए अगर इंटर कॉलेज या उच्च शिक्षा की बात करें, डिग्री कॉलेज की, तो यहाँ आसपास में कितनी दूर पर है? डिग्री कॉलेज यहाँ से अनपराब से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और भगवान अवधूत राम महाविद्यालय के नाम से है, ये प्राइवेट है जो है। अच्छा।
सरकारी कोई यहाँ डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है जो है। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। जो युवा है, लगभग कितना दूर पे है डिग्री कॉलेज यहाँ से? 2 किलोमीटर लगभग जो है। प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट है। सरकारी कितना दूर पे है? सरकारी यहाँ केवल इंटर कॉलेज है। नहीं है, इंटर कॉलेज है। तो ये सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, सरकारी सुविधा मेडिकल से लेके और शिक्षा बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। तो मोदी के कामकाज के दौरान 2 साल के कार्यकाल में, 2 बार के कार्यकाल में उनका जैसा नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो विकास की धारा यहाँ वही या नहीं? विकास में अभी मेडिकल में अभी कोई सुविधा नहीं हुआ है, न शिक्षा में हुआ है, और बाकी सामाजिक शांति और जैसे पहले व्यक्तिगत किसी के प्रति देश भाव, हाँ वो सब नहीं है, भय नहीं रहा जो, भय मुक्त हुआ है, भय मुक्त हुआ है जो। अच्छा अच्छा, मोदी जी के कोई 3 काम ऐसे आप बता सकते हैं जिस पर जनता को वोट करना चाहिए, चाहे वो देश की सुरक्षा को लेकर के हो या जो भी हो? राशन की सुविधा यहाँ पर लोगों को मिल रही है? बराबर राशन की सुविधा बराबर मिल रही है जो है, शौचालय की सुविधा है, और देश को, हाँ, 3 काम में जैसे सबसे अच्छा काम है गर्व से रहने का, जो शांति से रहने का वो पहला है। दूसरे हमको देश विदेश से जो मान सम्मान है वो है, और गुंडाई नहीं रह गई। हाँ, हमारा जैसे आपको सेना के प्रति जो उनका ताकत बनाना। 24 में आपको क्या लग रहा है कि कोई मोदी जी को टक्कर दे पाएगा क्या? कौन सा चेहरा है जो मोदी चेहरे सामने टिकेगा? देखिए, राज्य में किसी की सरकार बने, लेकिन केंद्र में मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है। अभी कोई ऐसा नेता नहीं जो उनके समकक्ष खड़ा होकर के जो है इलेक्शन लड़ सके। विपक्षी तो सभी एकजुट हो रहे हैं कि इस बार तो मोदी को हराना है। इतने एकजुट हो जाएं, कई बार एकजुट हो चुके हैं, पहली बार नहीं है, हर बार एकजुट होते हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा, ये समस्या है। मोदी के अलावा किसी को और नहीं देखना चाहते प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री देश का विकास ही नहीं कर पाएगा, कोई जो भी आएगा वो अपने अपने हिसाब से करेगा जो है, और अगर 40 आदमी या 50 आदमी मिलके आते तो करेंगे क्या, एक निर्णय तो ले नहीं सकते, जो भी करेंगे तो वो जो एक निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है, और वो मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मुन्ना। ये बताइए, मोदी जी के कामकाज से खुश है कि नहीं? 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या कहना है? मोदी जी से खुश क्या है, इतनी महंगाई है, गैस जो 410 के था आज हो गया 1200। भाई, जनता का जब खुश करेंगे तभी तो हम खुश होंगे, महंगाई पर थोड़ी खुश होगा आदमी। सरकार तो दावा कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। 5 किलो राशन में भिखारी बन जाएंगे, लड़का घरे बैठा है, हाँ उससे थोड़ी विकास होगा कि 4 लड़का में 20 किलो राशन मिल गया तो हम हो गए, इससे थोड़ी विकास होता है। आप 10 रुपये का नौकरी दीजिए ना, राशन बंद कर दीजिए, सारे विकास हो जाएंगे। आपके तूती बोलेगी, 5 किलो राशन में थोड़ी कोई बच्चे को विकास होगा। अच्छा। आप 4000 की नौकरी दीजिए सबको, देखिए राशन बंद कर दीजिए, क्यों आप आई तो नौकरी तो लोग पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो पा रहे हैं नौकरी। हाँ, एम काम करके बी काम करके बैठे तो हैं घर पे, बैठे तो हैं बच्चे, जाते हैं नहीं, अभी नहीं है भाई, मोदी जी ने कर रहे हैं तो मोदी के नीचे वाले थोड़ी कर रहे हैं मोदी। तो 24 में क्या बदलाव होने की संभावना है? अब कौन सी सरकार ऐसा है कि जो बच्चों की शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए काम कर सकती है? सब सरकार अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, कोई अपने लिए थोड़ी करता है बच्चों को। सरकार को तो चयनित करना पड़ेगा ना, सरकार को तो चयनित करना पड़ेगा, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंतर्गत सरकार तो है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको तो हमको आपको फॉलो करना पड़ेगा, हमको चयनित करना पड़ेगा। वर्तमान परिवेश में ये है, 79,000 नियर अबाउट पीपल हैं इस एरिया में, नगर पंचायत हो का चुनाव होने जा रहा है, नगर निगम का चुनाव होना चाहिए, लेकिन परिक्षेत्र की जनता जो आम जनता है सारी सुख सुविधाओं से वंचित हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहीं सुविधा नहीं। चले मैं अपने मोहल्ले में दिखाता हूँ, एक भी सुविधा सरकारी योजनाओं के तहत लंबित नहीं है। अच्छा, ये व्यवस्था यहाँ आवास योजना है या शौचालय की व्यवस्था है या सड़क बेहतरीकरण की बात हो, ये सब कुछ नहीं है? ये तो रोजमर्रा की व्यवस्था, जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो क्या होना चाहिए बताइए, जो सिस्टम में है, क्या चाहिए? जो उन्होंने कहा कि नौकरियां आज उठा कर देख लीजिए, बिजली कर्मचारियों के ऊपर उनका हक और अधिकार को हनन करने का काम ये सरकार कर रही है,
कोई भी इनके खिलाफ बोलने का काम करे उनको गुंड उनकी आवाज को दबाने का साजिश चल रही है देश के अंतर्गत। नहीं, किसानों ने देखे उनके खिलाफ बोला तो किसानों की बात उन्होंने मानी। किसानों की बात कर, लगभग 900 किसानों को मैंने हत्या एक तरीके से बोल लीजिए करने के बाद उन्होंने रिफिल करने का काम किया किसान कानून। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? कर्मचारी लोग अपने हक और अधिकार के लिए खून पसीना अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाकर अपनी जिंदगी को टावर पर चढ़ कर उन्होंने बिजली उत्पादन करने का काम करता है और उनकी आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है। फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है उनके ऊपर, लगाया जा रहा है कि नहीं? फर्जी मुकदमा के लगाकर उनको डराकर धमकाकर उनकी आवाज को रोकने का काम किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंतर्गत? अच्छा, तो बचाएगा कौन इस लोकतंत्र को? आप कौन सी पार्टी बचाएगा? हम और आप, एक अच्छे वातावरण बनेगा, सिस्टम की लड़ाई है और एक अच्छा मीडिया हो वही बचाएगा। जो मीडिया बिक जाती है वो नहीं बचाएगी कभी। जनता का क्या रोल होगा फिर? जनता का रोल होगा, मोदी जी अगर अच्छा मीडिया अच्छा रोल देना तो फिर मोदी का रोल होगा भाई। हम ये सब विकास के जितने दावे हैं सब हवा हवा। अरे आप ही तो देखिए कितना विकास है, हम ही का हम तो बैठे हैं जहाँ विकास हवा भाई। मैं रविंद्र कुमार जायसवाल, मैं आपको अभी विकास पे आप कहना चाह रहे थे सर। यहाँ एक कटनी पैसेंजर चला करती थी, लगभग हमको याद है जब हम लोग छोटे छोटे तब से चल रही थी, वो बंद कर दिया गया है। एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी वो बंद कर दिया गया है। तो ये रेल के मामले में हम कहीं ना कहीं 35 साल 40 साल हमको पीछे ला दिया गया। अब आइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस वगैरह की हालत आप देख ही रहे हैं, रोडवेज वगैरह की क्या हालत हो गई है। आपको बता दें कि जब हम लोग मजबूर होकर के सड़कों पे जाते हैं और सड़क का भी वही हाल है, आप ट्रैफिक देख लीजिए कितना जाम रहता है। कोल परिवहन जो है रेलवे के द्वारा होना चाहिए, वो सस्ता परिवहन होता है, सस्ता के साथ साथ पर्यावरण के लिए वो बहुत ज़रूरी है। रेलवे के द्वारा होना चाहिए उसका परिवहन, कन्वेयर के द्वारा होना चाहिए, रोपवे के द्वारा होना चाहिए। इन्होंने शार्टेज, कोल शार्टेज दिखा करके, उस समय जब आप लोगों ने सुना होगा कोल शार्टेज हुआ था, उस समय इन्होंने बहाना बना करके चालू किया, अब आज भी चल रहा है। तो ये वास्तव में यहाँ के लिए सही नहीं है। आप डिबुलगंज संयुक्त चिकित्सालय के बारे में जानते होंगे, वहाँ पर संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा मिला है, तो संयुक्त चिकित्सालय का पूरी व्यवस्था यहाँ बहाल होनी चाहिए। आपको अनपरा बोर्ड हॉस्पिटल में देख लीजिए, आज के 30 साल 35 साल पहले वहाँ डिलीवरी वगैरह ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हुआ करती थी, आज बंद है। चार साल से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर आ गई हैं। 2 साल से जिला चिकित्सालय में जो है अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या उसमें जो है प्रोसेस है, उसको लोग बजा कर रखे हुए हैं, अभी तक नहीं चल रहा है। निजी क्षेत्र में एक विद्यालय, आपको बता दें 10 रुपया महीना फीस था, प्राथमिक विद्यालय बोर्ड का था, अब जो है ये बालिका विद्यालय था, 40-45 रुपये महीना उसका फीस था, अब वो सीधे DAV को दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ का मजदूर है मान लीजिए जिसकी आमदनी कम है 8,000-10,000 है, वो आदमी कहाँ जाएगा सर? मैं हो सकता है हम सक्षम है, ये सक्षम हो, हो सकता है अगला आदमी कोई सक्षम ना हो, आखिर उसकी शिक्षा बाधित होगी। तो इस तरह से निजीकरण हर एक जगहों पर सही नहीं है। नए विद्यालय यहाँ एक भी हमारे जानकारी में नहीं खुले हैं। आप नगर पंचायत अनपरा में देख लीजिए शराब की दुकानें कितनी बढ़ी हैं, आप डेटा उठवा करके आप लोग मीडिया से हैं खंगलवा के देख लीजिए आज अनपरा। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जैसा कि अभी आप कह रहे थे, तो यहाँ अगर आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़े तो नहीं सर, यहाँ पर जो है सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, भयंकर सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, बनारस तक पहुँचने में काफ़ी परेशानी होती है। ट्रामा सेंटर इसको घोषित कर देना चाहिए, ये जो मेरा संयुक्त चिकित्सालय है इसको ट्रामा सेंटर घोषित कर देना चाहिए, सारी व्यवस्था यहाँ देनी चाहिए। परियोजनाओं में घटना दुर्घटनाएँ होती हैं, अधिकारी कर्मचारी से लेकर के ये आपके संविदा के जो लोग हैं वो भी बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं, वास्तव में उनको मूलभूत चिकित्सा यहाँ नहीं मिलती है। तमाम औद्योगिक क्षेत्र हैं लेकिन उस स्तर से यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है अनपरा परिक्षेत्र में। हमने कई बार जो है मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि यहाँ पर जो है मतलब ना तो सरकार शिक्षा पे काम करे ना तो स्वास्थ्य पे काम कर रही है, जितने भी विकास के दावे हैं हवा हवाई। भाई अनपरा के लिए, ऊर्जांचल के लिए मैं तो जानता हूँ कि यहाँ पर कोई नई चीज़ें यहाँ नहीं आ रही है, आता होगा पूरे देश में,
हमको पूरे देश का डेटा नहीं पता है वास्तव में, लेकिन मैं जो यहाँ रह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? अंगिरा प्रसाद नाम है हमारा। अच्छा। आम आदमी पार्टी से हम यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी हैं। अच्छा। हाँ, इस बार तो सत्ता परिवर्तन होना ही है। अच्छा। क्योंकि अब जनता उब चुकी है 5 किलो चावल पे, 5 किलो गेहूँ पे। अच्छा। अब जनता क्या चाहिए जनता को? अब जनता को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी के समाधान चाहिए। क्योंकि आप 5 केजी गेहूँ दे देंगे और 5 किलो चावल दे देंगे, लेकिन सब्जी कहाँ से आएगी? सरसों का तेल का दाम इतना बढ़ गया, वो कहाँ से आएगा? और लोगों को सर्विस नहीं मिल रही है। जब पैसा रहेगा तभी तो लोग खरीदेंगे। महंगाई बढ़ते जा रही है, इसलिए जनता अब इस चीज़ों को छोड़ के अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस सब पे ध्यान दे रही है। तो ये जितनी आपने कमियां गिनाई हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पूरी कर सकती है कमी? ये तो वक्त ही बताएगा। जब चुनाव होने लगेंगे 2024 का, तो सबका अपना अपना एजेंडा होगा इसमें। जैसे अभी हमारे दिल्ली सरकार जो है स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रही है, उसी को देश को लेके हम लोग भी आएंगे 2024 में। शिक्षा मंत्री तो जेल पहुंच गए? वो तो चले गए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा ना पार्टी पर। अभी तक कम से कम 125-30 भ्रष्टाचारी का कहते हैं बीजेपी में आए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ये बीजेपी वाशिंग मशीन है, और ये पता नहीं कैसा वाशिंग मशीन है कि उसमें डालते ही सब एकदम धुलाई हो जाती है। अभी आप बंगाल के ले लीजिए, अभी हेमंत शर्मा के ले लीजिए, सब भ्रष्टाचारी थे, लेकिन बीजेपी में जैसे आए तैसे का कहते सब ईमानदार हो गए। उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, उनके ऊपर तो केस नहीं होती है। नहीं तो जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो अगर कार्रवाई करें तो क्या बीजेपी के इशारे पर? अभी 2014 से पहले का मोदी जी का आप क्या कहते हैं भाषण सुनिएगा कि सीबीआई कांग्रेस ने क्या कहते हमको बैठा के रखी है और हमारे ऊपर कर रही है, जस्ट उसका उल्टा वो भी अब शुरू कर दिए हैं। तो यही तो लगता है कि आखिर क्यों विपक्षी वालों के ऊपर सीबीआई चलती है? क्या उनमें क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? बहुत बड़े बड़े कहा करें क्रिमिनल हैं, लेकिन उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं चलता है। तो सब पे चले। तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं मोदी के अगेंस्ट? अभी तक तो जो सर्वे है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल का कहते हैं प्रधानमंत्री के बाद दूसरे चेहरे उभर के आ रहे हैं। अच्छा। और जनता उन्हीं के नाम पर वोट करेगी 2024 में। अच्छा, स्थानीय स्तर पर अगर हम यहाँ की समस्याओं की बात करें, जो लोकसभा के तहत एक मुद्दा बन सकता है, तो वो क्या है अनपरा में? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं, लेकिन यहाँ के नौकरियों को कोई भी नौकरी नहीं मिलता है। अभी बहुत कंपनियाँ एनसीएल में आई हैं, 2 लाख रुपया जब तक नहीं दीजिएगा उनको किसी एक मजदूर को भी नौकरी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आपका डिबुलगंज में सरकारी हॉस्पिटल बना है, 300 बेड का हॉस्पिटल है। यदि उस हॉस्पिटल का सुचारू रूप से संचालित किया जाता तो कम से कम हमें बनारस नहीं जाना पड़ता। आज एक किसी को तो कोई बेड में आज यहाँ किसी को टट्टी पेशाब उल्टी तक भी होता तो उसका इलाज की व्यवस्था नहीं है। उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, बहुत कमी है। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद फाजिल पड़ेगा। आपके हिसाब से मोदी जी का कामकाज कैसा है 10 सालों में जो? हमको देखिए रोजगार और चाहिए, आदमी बेरोजगार है। करते क्या हैं आप? क्या करते हैं? ड्राइवरी। तो आप बेरोजगार कहाँ होंगे भाई? अब दूसरे का चला रहे हैं, अब ये नहीं सीजन रहता है तो हम लोग खड़े रहते हैं, हटा देते हैं मालिक। तो मोदी के काम काज से खुश नहीं है क्या? अभी बताइए, आप ही बताइए, 7,000 में आप महीना गुजार लेंगे? हमको बताइए, हम ही आपको दे रहे हैं 7,000, आप महीना गुजार लीजिए, परिवार पाल लीजिए, बच्चे पढ़ा लीजिए, चाहे औड़ा डार में सरकारी स्कूल में नाम लिखवाएंगे, चाहे बढ़िया शिक्षा देना है तो बढ़िया स्कूल में डालना पड़ेगा। बात ये है, महंगाई सबसे ज़्यादा है। मतलब महंगाई की बात इस समय उठने वाली है? हाँ, चावल, राशन, दाल, तेल, सब चीज़ तो महंगा हो रहा है। सरकार राशन जो बांट रही है वो 5 किलो में कितना आप गुजार लेंगे? 5 किलो में आप कितना गुजार लेंगे? तो किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? अब चेहरा वक्त बताएगा कि किसका चेहरा आएगा सामने। मन में कोई चेहरा नहीं आ रहा है अभी, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। इससे पहले जो सरकारें थी, जो काम वहाँ से ठप हुआ, इसके आगे कुछ बढ़ा नहीं है। केवल इनका काम पेपर में चल रहा है, मीडिया के द्वारा चल रहा है,
और बाकी आप 8 साल के अंदर कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि नया काम इस भाजपा सरकार में हुआ हो, चाहे मोदी जी के द्वारा हो, चाहे क्या कहते हैं योगी जी के द्वारा हो। सिलेंडर का रेट क्या कहते हैं देख रहे हैं, 1200 रुपया हो गया। बिजली का रेट हर महीना बढ़ते जा रहा है, तो और यहाँ का बिजली की बहुत बड़ी समस्या ये है कि कभी मीटर चेक नहीं करते हैं। आज यदि वो 300 रुपया बिजली बिल आया है, लोग जमा कर दिया है, अगले महीने में वो 5000 रुपया बिजली बिल आ जाता है। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि उनके घर में डबल डबल कनेक्शन, इस इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये धांधली है, डबल टार्चर किया जाता है। यहाँ का जेई और यही आते लगता है जैसे कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं वो मलखान खान डाकू आ गया, लोग इतना डर जाते हैं क्या कहते हैं उनके, तुरंत FIR दर्ज, हाँ कि चलो FIR दर्ज करेंगे। अगले दिन वो 50,000 का बिल वो 5000 रुपये में फाइनल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस पर सरकार को जोर देना होगा, नहीं तो 2024 में परिवर्तन तय है। इसलिए यहाँ जो भी है कोई भी, अभी 8 साल जो है 9 साल मोदी जी का सरकार हो गया, 6 साल कम से कम योगी जी का सरकार हो गया। ये हाईवे नेशनल रोड तो बनाते हैं लेकिन गांव के सड़कें नहीं हैं। इसको नेशनल हाईवे रोड बनाने से गांव के सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन जब तक गांव नहीं विकास करेगा तो नेशनल हाईवे से किसी का भला होने वाला नहीं है। नेशनल हाईवे बनाते हैं, आज देखिए टोल टैक्स कितना बढ़ गया, 500-700 रुपया टोल टैक्स हो गया यहाँ से लेकर बनारस जाने में। उतना में तो आदमी क्या कहते हैं एक अपना निजी गाड़ी लेकर नहीं जाते हैं, लोग सोचते हैं यार 700 रुपये तो मेरा टोल टैक्स लग जाएगा।